मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अम्मी बार बार साजदा आंटी के घर जाने की बात कर रही है, तो लकीली कोई ना कोई काम निकल आता है इसलिए वो रुक जाती है। लेकिन मैं कब तक छुपाऊंगी ये सब? यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे रह रह के जो है ना अदनान भाई पे गुस्सा आ रहा है। वो भी निकले ना बाकी आम मर्दों की तरह दगाबाज। उसका तो नाम भी मतलब मेरे सामने, मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। सिर्फ अजय तुम हमेशा ठीक कहती थी, सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये बाज, डिप्लोमेटिक, हिपोक्रेटिक। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो जो मेरे सामने नेहा के लिए इतनी नफरत जाहिर करता था, असल में उसके पीछे उसकी मोहब्बत छुपी हुई थी। यही वजह है मैं अयान पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं उसे पसंद करती हूँ मगर मेरे दिल में हमेशा उसके लिए एक डाउट रहता है। पता नहीं, मुझे तो अयान ऐसा नहीं लगता। ये तुम कह रही हो समरा? हाँ फजल, ये तो एक बेवकूफी होगी डेफिनेटली। आई मीन एक मर्द की वजह से हम सारे मर्दों को गुनाहगार थोड़े ठहरा सकते हैं। एक नहीं दो, तुम अब्बू को भूल गई। वो तो एक्सेप्शनल केस था, बेटा ना होने की। बेवफाई बेवफाई होती है समरा, थप्पड़ सीधे हाथ से मारा जाए या उल्टे हाथ से, तकलीफ दोनों देते हैं, जुल्म होता है वो। आई डोंट नो फजर, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, और अल्लाह ना करे कि तुम्हारी किस्मत में ना रसल का कर दे। समरा मैं उस पर कैसे ट्रस्ट करूं? उस पर क्या, मुझे अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। नहीं फजर, सब ऐसे नहीं होते हैं, बेतबारी की फिजा में रहने से तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं समरा, बताओ मुझे। मैं चाह कर भी अयान पर यकीन नहीं कर सकती। मैं अभी तो अपने आप को स्ट्रांग समझती हूँ, मगर उसने अगर ऐसा ही किया मेरे साथ जैसे अदनान भाई ने तुम्हारे साथ किया, तो मैं यकीन से बता रही हूँ, मैं या तो खुद को गोली मार दूंगी या तो उसको, और मैं ये नौबत नहीं आने देना चाहती। अच्छा बेटा तुम लेटो, मैं अदनान को फोन करती हूँ। चलो बेटा तुम लेटो। ये रखें आप, मैं बाद में चेक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, नेहा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मम्मी एक तो इसके ड्रामे खत्म नहीं होते। बेटा नेहा की तबीयत वाकई बहुत खराब हो रही है। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, कमजोरी के बायस ऐसा होता है, और फिर ऐसी कंडीशन में तो अक्सर ऐसा ही होता है। आप टेंशन ना लें। हाँ बस इनकी खुराक, इनकी मेडिसिन और इनके आराम का खास ख्याल रखें।
ये कुछ मेडिसिन है, आप इनको दे दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। चलो। डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? समझ ही नहीं आ रहा है। चलो यहाँ बैठो। अम्मी ये दवाइयाँ रखी हैं और इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन है, आप देख लीजिएगा कितनी डोज देनी है। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, काफ़ी लेट हो रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया था, अब जाना पड़ेगा। बेटा आए गए हो तो थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं अम्मी देर हो रही है, वापसी में खा लो। वापस चलो बेटा, मैं तुम्हें अंदर ले जाएगी। हाँ चली जाती हूँ उनके घर। साजिदा बहन की तबीयत ठीक नहीं, उनकी नेहा तो किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। और अदनान बेचारा क्या क्या देखे। बेहतर होगा मैं खुद ही चली जाऊं, साजिदा बहन की आदत भी हो जाएगी। उन्होंने भी तो कितना ख्याल रखा था मेरा और मेरी बच्चियों का। कितनी खुशकिस्मत है मेरी समरा कि उसे इतने अच्छे लोग मिले। नेहा कैसी हो तुम? शामिर यकीन नहीं आ रहे तुम हो? आई मैं ही, यकीन कर लो आप। शामिर यार कहाँ चले गए थे तुम? मैं कितना मिस किया है तुम्हें। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? नेहा I'm extremely sorry, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। शामिर तुम्हें अंदाजा है इस दौरान मुझ पर क्या बीती है? हाँ नया, मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल भी से घूम सकता। अब मैं आ गया हूँ ना, एक एक से बदला लूंगा। बताओ किस किसने तंग किया तुम्हें? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना शामिर? हाँ नया, क्या अब भी सवाल की गुंजाइश बाकी है? मैं तो खुद तुम्हारे बगैर एक लहा नहीं जी सकता, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। I love you, Neha. I really love you. इतनी देर से बाहर खड़ा वेट कर रहा हूं, जल्दी नहीं खोल सकती दरवाजा। एक तो गाड़ी खराब हो गई है, पैदल चल के आना पड़ा है। क्या हो गया है? इतनी लैंडलॉर्ड हो तो नौकर रख लो ना अपना दरवाजा खोलने के लिए। मुझ पे क्यों चीख रहे हो?
करे कि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो यार। आई मीन समरा, तुम अब भी ये बातें कर सकती हो, तुम एटलीस्ट एक बार एतबार तो करके देखो। तुमने एतबार किया था ना, तुम्हें क्या मिला? बेटा वो फरीदा का फोन आया था, अगर मैं फोन उठाती तो वो कुछ कहती ना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई फोन उठाने की।